सो वी हैव सेवंथ ए, सेवंथ बी, सेवंथ सी, सेवंथ ई, एफ जी, सेवंथ डी. सो टीचर्स प्लीज चेक कि सेवंथ डी कनेक्ट हुआ था, बस डिसकनेक्ट हो गया. प्लीज चेक कि भी उनके क्या प्रॉब्लम हुई है. सेवंथ डी, मैम यस, यस सेवंथ बी नहीं, सेवंथ डी, डेल्टा, सेवंथ ए, सेवंथ ए. एम आई ऑडिबल नाउ? रेज योर हैंड्स. ओके, चलिए, वेरी गुड. अपने हाथ खड़े कर दो जल्दी से एक बार. सेवंथ ए. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए, नाउ ड्रॉ दिस डायग्राम. हां वॉइस इज ऑडिबल. जी बेटा. ड्रॉ दिस डायग्राम. साइज ऐसे ही, छोटा बड़ा है ना. पहले डायग्राम ड्रॉ करो. एवरीबडी क्विक. सेवंथ बी, अपनी कॉपीज निकालो. मुझे कुछ बच्चों के रजिस्टर्स नजर नहीं आ रहे. केस स्टडी पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, और आएगा इनफैक्ट. अगर रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से केस स्टडी आएगी, तो ये डायग्राम यही केस स्टडी आएगी. तो लिखो, ऊपर लिखो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है, ये डायग्राम बनाओ. 4 कॉलम्स डायग्राम के ऊपर, 1 2. ये फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम. आप देख रहे हो यहाँ पे, ये लंग्स छोटे हैं, यहाँ पर बड़े हैं. यहाँ पे जो डायाफ्राम है, दिस इज डायाफ्राम. ये देख रहे हो, ये ज्यादा कर्व्ड है, और ये क्या है, ये थोड़ा फ्लैट है. इसी तरह से टेक्निकली इसी तरह से बनाना है. ओके, फिर ये 4 कॉलम्स बनाओ. फर्स्ट है फ्लैट कर्व, ये इसके साथ है. डायफ्राम के बारे में बताना जल्दी से. फ्लैट कर्व. सेकंड है मूव अप एंड डाउन. लिखो फटाफट, आई एम टेलिंग यू. फर्स्ट कॉलम में फ्लैट और कर्व. सेकंड पॉइंट है मूव अप और डाउन. थर्ड लाइन में मोर और लेस. फोर्थ लाइन में अगेन मोर और लेस. थर्ड लाइन में मोर और लेस. फोर्थ लाइन में मोर और लेस. एंड फिफ्थ लाइन में इन या आउट ऑफ लंग्स. इन और आउट ऑफ लंग्स. अगेन फर्स्ट लाइन में फ्लैट और कर्व. सेकेंड लाइन में मूव अप या डाउन. थर्ड लाइन में मोर और लेस. फोर्थ लाइन में अगेन मोर और लेस. फिफ्थ लाइन में इन या आउट ऑफ लंग्स. सेकेंड कॉलम में, सेकेंड कॉलम में फर्स्ट लाइन में डायाफ्राम. लिख लो बेटा, सेवंथ बी, बॉयज एंड गर्ल्स.
अगर नहीं करोगे तो 4 मार्क्स गए आपके, यू विल लूज 4 मार्क्स। मैं तो साथ साथ पेपर लीक करती रहती हूँ। फर्स्ट इज, फर्स्ट लाइन में डायफ्राम, सेकेंड लाइन में रिब केज, थर्ड लाइन में वॉल्यूम ऑफ लंग्स, थर्ड लाइन वॉल्यूम ऑफ लंग्स। फोर्थ लाइन प्रेशर इन लंग्स, फोर्थ लाइन में प्रेशर लिख लो फटाफट, प्रेशर इन लंग्स। एंड लास्ट लाइन में मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर। अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट लाइन डायफ्राम, सेकेंड लाइन रिब केज, थर्ड लाइन वॉल्यूम ऑफ लंग्स, फोर्थ लाइन प्रेशर इन लंग्स, एंड फिफ्थ इज मूवमेंट ऑफ एयर। नाउ अब ये दो चीजें तो मैंने लिख दी, नाउ यू हैव टू फिल दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, द फर्स्ट डायग्राम एंड सेकेंड डायग्राम। सी बट यू हैव टू सी डायफ्राम फर्स्ट में फ्लैट है या कर्व है, लिखो जल्दी से। फर्स्ट में डायफ्राम इज इट फ्लैट और कर्व्ड, और सेकंड में फिर आपने लिखना फ्लैट और कर्व्ड। कंपैरिजन में दिखता है तो दोनों में कर्व्ड है, बट एक में फ्लैट है एक में कर्व्ड है। डायग्राम में दिख रहा है आपको, इट इज यू नो सामने ही आंसर्स है। फर्स्ट में यहां लिखना है कि डायफ्राम क्या है, फ्लैट और कर्व। सेकंड में यहां लिखना है फ्लैट और कर्व। उसके बाद देन रिब केज, जो पूरी रिब केज है, जो पिंजरा है, वो फर्स्ट में ऊपर जाता है कि नीचे आता है, या यस अप और डाउन, या इन एंड आउट कह लो। अप मीन्स आउट, डाउन मीन्स इन। तो यहां पे रिब केज कहां पे जाता है, आउट की इन। और सेकंड में बताइए कि इन टू आउट। अब दोनों के कंपैरिजन में आपने लिखना है वॉल्यूम ऑफ लंग्स। सेवंथ बी बेटा, सेवंथ बी इधर, बिल्कुल नॉइस नहीं, एकदम इधर। वॉल्यूम ऑफ लंग्स किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है, तो मोर की लेस। यस सेवंथ एफ गर्ल्स, बेटा इधर उधर ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, स्क्रीन एंड कॉपी। टेल मी वॉल्यूम ऑफ लंग्स इसमें मोर है कि इसमें मोर है, सामने दिख रहे हैं आपको। प्रेशर ऑफ लंग्स, वॉल्यूम एंड प्रेशर यू नो ऑपोजिट है, इसमें ज्यादा है इसमें कि इसमें। यू हैव टू राइट फर्स्ट में मोर की लेस, सेकंड में मोर की लेस। एंड फिर मूवमेंट ऑफ एयर इनसाइड द लंग्स की आउटसाइड द लंग्स, इनसाइड द लंग्स की आउटसाइड द लंग्स, या आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ये सेवंथ सी, इधर ध्यान दो बेटा, कहां पे, कहीं और नहीं। वेयर द एयर गोज, इस केस में एयर कहां जा रही है, आउट ऑफ द लंग्स की इनसाइड द लंग्स। यहां पे इनसाइड द लंग्स की आउटसाइड द लंग्स। चलिए आई होप यू हैव डन, लेट्स डिस्कस। सेवंथ एफ जो गर्ल्स है ना, राइट साइड में जो गर्ल्स बैठे हैं,
सेकेंड बेंच पे, सेकेंड बेंच पे जो फर्स्ट गर्ल है। हाँ आ जाओ माइक पे आओ, फटाफट से माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक ऑन नहीं बेटा, एक मिनट मेरी बात इधर सुनो, जूम से ऑन करो, जूम से ऑन करो माइक, आपका माइक जूम से ऑफ है, जल्दी से। हाँ अब बोलो बेटा, पहले हेलो करो। हेलो। हाँ अब बताइए मुझे, डायफ्राम फर्स्ट केस में कर्व्ड है कि फ्लैट है बेटा? इधर सामने स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देख के बताओ। हाँ इट इज कर्व्ड, सो फर्स्ट केस में कर्व्ड है, एंड सेकंड केस में बेटा फ्लैट फ्लैट। ठीक है, वेरी गुड, बैठो बेटा। देन सेवंथ बी, जो लेफ्ट साइड में सेकंड बेंच पे बॉयज बैठे हैं, फर्स्ट बॉय आ जाओ बेटा जल्दी से, आप नहीं इधर, हाँ आप यही बिल्कुल, माइक कहाँ पर है? ये पढ़ा हाँ बोलो। रिब अगले केज, रिब केज जो पिंजरा है वो बाहर को आता है इस केस में कि अंदर जाता है बेटा? चलिए रिब केज छोड़ो, रिब केज यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये हम बाद में करें। वॉल्यूम ऑफ लंग्स किसमें ज्यादा है, फर्स्ट में ज्यादा है कि सेकंड में ज्यादा है? वॉल्यूम होता है कैपेसिटी, अंदर स्पेस किसमें ज्यादा है? सामने देखो, स्क्रीन में देखो, उसको छोड़ो, स्क्रीन पे देखो। हाँ किसमें, आप मुझे ये बताओ, सीधे खड़े होके बताओ, माइक विल टेक द वॉइस, किसमें ज्यादा वॉल्यूम है, फर्स्ट में कि सेकंड में? सेकंड सेकेंड में, वेरी गुड। तो हम थर्ड की बात कर रहे हैं, मोर, बैठो बेटा, और लेस। यस, इसी क्लास में जो आगे लड़का बैठा हुआ है जिसके पास माइक है राइट साइड में, वो मुझे बताइए वॉल्यूम इसमें कम है तो प्रेशर जो है फर्स्ट वाले में क्या होगा, मोर की लेस? बेटा वॉल्यूम लेस है, मैंने क्या बताया था, प्रेशर एंड वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है, सेम रिलेशन है कि ऑपोजिट है? मैं और होगा, बिकॉज ऑपोजिट है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, और यहाँ पे लेस, ठीक है? और यहाँ पे एनीबडी हु कैन टेल मी अबाउट रिब केज, यस एनी स्टूडेंट रेज योर हैंड, यस सेवंथ ई, सेवंथ ई बेटा सेकंड गर्ल आ जाओ बेटा, रिब केज यहाँ पे, यस यस फर्स्ट केस में डज इट मूव आउट के डज इट मूव इन, सेवंथ ही, जोर से बोलो बेटा ताकि आवाज आए आपकी, आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही, बट चलो फर्स्ट, इधर देखो, इधर देखो, फर्स्ट इज आउट सेकंड इज इन, बताइए क्या है? इट इज टू, बिल्कुल ठीक है, इट इज राइट, दिस इज रिब केज मूव्स इन इन एंड डाउन, और यहां पे आउट एंड अप, नाउ सेवंथ सी, सेवंथ सी में बेटा मिडल रो फर्स्ट गर्ल आ जाओ, कोई सी आ जाओ, एनी गर्ल, हाँ जी बेटा, मूवमेंट ऑफ एयर यहाँ पर इनसाइड द लंग्स की आउटसाइड द लंग्स, आउट द लंग्स दैट इज एक्सहेलेशन, बिल्कुल ठीक है, आउट या एक्सहेलेशन, बैठो बेटा बैठो, और ये आपको पता ही चल जाएगा, अब यहाँ पे इन या इनहेलेशन, वेरी गुड। तो बेटा ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये आएगा अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में से केस स्टडी आएगी तो दिस क्वेश्चन विल कम, एंड यू नो यू कैन डू, पूरे 4 मार्क्स आपके आ सकते हैं, इज इट ओके? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, आई थिंक एवरीबडी हैज डन, मे आई मूव फर्दर? हाँ
इन द लंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बातें नहीं, बातें नहीं बेटा। सेवंथ बी, अपना या तो माइक ऑफ करो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स एट टू साइट्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एवरीबडी राइट डाउन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स एट टू साइट्स। एक्सचेंज मींस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि हम अपने नेबर्स के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं कटोरियां, कि मैंने तुम्हें एक कटोरी दही दे दी है, तुम एक कटोरी मुझे दही से कड़ी बनाकर वो दे देना। ठीक है, सो दिस इज एक्सचेंज। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स एट टू साइट्स। दो साइट्स पे एक्सचेंज हो रही है, कहां पे हो रही है? फर्स्ट है इन लंग्स और सेकेंड है, आप कह सकते हो इन टिश्यूज। टिश्यूज अगर आपको अभी नहीं पता तो आप कह सकते हो इन सेल्स। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स एट टू साइट्स। सेकेंड, लंग्स में किसके बीच में हो रहा है? दो पार्टीज कौन सी है इन लंग्स? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। एल्वियोलाई एंड ब्लड, एल्वियोलस किस में है? लंग्स के अंदर है, इन सेल्स। सेल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस में है? बिटवीन, मैं पूरा नहीं लिख रही, बिटवीन सेल्स एंड ब्लड। राइट, एंड यू नो व्हेन वी इनहेल द ऑक्सीजन रिच एयर गोज इनटू लंग्स। सो इन लंग्स, सी पॉइंट में आपने ये डायग्राम बनाना है। दिस इज एल्वियोलस एंड दिस इज ब्लड वेसल। बनाओ जल्दी से, ज्यादा नहीं बनाने की जरूरत है, यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। यहां से ऑक्सीजन आ रही है, एरो बनानी जरूरी है। दिस इज ब्लड एंड दिस इज एल्वियोलस। ऑक्सीजन, एल्वियोलस गिव्स ऑक्सीजन टू ब्लड एंड ब्लड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्वियोलस। और सेकेंड है सेल्स, दिस इज सेल एंड दिस इज ब्लड। यहां पे ऑपोजिट है, ब्लड गिव्स ऑक्सीजन एंड सेल गिव्स कार्बन। फटाफट सिंपल सा बनाओ, ये तो मैंने दिखाया है, अदरवाइज ड्रॉ इट सिंपली।
आ जाता है बेटा आपको, ऊपर क्वेश्चन लिख लो इसके। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमंस। क्वेश्चन थ्री मार्क्स क्वेश्चन। एंड यू हैव टू राइट थ्री पॉइंट्स। आपका है टू साइड्स, ये बी है इन लंग्स, किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है, सेल्स में किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है, और सी पार्ट में आपने दोनों डायग्राम्स बनाए। है ही कुछ नहीं, यू विल गेट फुल 3 मार्क्स। जल्दी से एवरीबडी, थ्री मार्क्स क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो दिस विल बी द क्वेश्चन। डन, किसी का रहता है तो दे कैन रेज देयर हैंड्स और शुड आई रब इट। ओके, ये सो व्हाट यू हैव सीन दैट द एयर, अल्टीमेटली यहां पे ध्यान से ये समझने वाली बात है, द एयर फ्रॉम एटमोस्फेयर गोज इन लंग्स एंड फाइनली, लंग्स उसको यूज नहीं कर रहा है, लंग्स ने तो कोई यूज नहीं किया, थ्रू ब्लड कहां पे भेज दिया, फाइनली रीचेस रीचेस सेल। लिखो ये एक बॉक्स में बनाकर लिखो, राइट डाउन इन द बॉक्स। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेयर से एयर, एयर ब्रैकेट में लिख लेना ऑक्सीजन, मेनली हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंटर्स इन लंग्स एंड फाइनली रीचेस सेल्स। यूज कहां पर है ऑक्सीजन का, वेयर इट इज यूज्ड? यस, हु विल टेल मी? सेवंथ ए आ जाइए बेटा, मनमोहित। सेवंथ ए मनमोहित, बेटा देखो अब क्वेश्चन इधर सामने देखो, मेरी आवाज सुन। ऑक्सीजन लंग्स में गई, फिर ब्लड में गई और फिर अल्टीमेटली सेल्स में चली गई। थ्री साइड्स पे ऑक्सीजन गई है, कहाँ पे गई है, एल्वियोलस में, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, फिर देन ब्लड एंड अल्टीमेटली टू सेल्स। नाउ टेल मी वेयर इट इज यूज्ड, एल्वियोलस, ब्लड और सेल्स, कहाँ पे ऑक्सीजन का यूज है, इन तीनों में से आपने ऑप्शन बतानी है मुझे।
मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो मुझे ऐसे करके बता दो, ए बी की सी। इट इज थर्ड, वेरी गुड। किसी ने बताया कि आपको खुद आता था? यू नो दिस? यू नो दिस? यस और नो? ओके, वेरी गुड। सो इट इज यूज्ड इन सेल्स। सो व्हाट इज द यूज ऑफ, बैठो बेटा, मैं मोहित बैठो बच्चे। व्हाट इज द यूज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द सेल्स, ये सबको पता चल गया। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल्स? व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल्स? तो सेल्स में ऑक्सीजन का क्या काम है? पहले सुनो फिर हम लिखें। सो व्हाट डज द ऑक्सीजन डू? ऑक्सीजन बर्न्स, है ना? ब्रेक डाउन टर्म थोड़ी सी यूज नहीं, हम ऑक्सीडाइज कह देते हैं, बट इन जनरल टर्म्स आपकी लैंग्वेज में ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग ऑफ ग्लूकोज। व्हाट इज दिस? C6H12O6। नहीं भी याद रहेगा, ग्लूकोज। यू नो ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, और कोई भी चीज बर्न करती है, एनीथिंग बर्न्स, व्हाट इज लिबरेटेड? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। एटीपी मींस एनर्जी। हाउ मेनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स? 38 मॉलिक्यूल्स। इधर लिखना कुछ नहीं, डोंट राइट एनीथिंग, आई विल टेल यू व्हाट टू राइट। इधर पेन नीचे रख दो। सो ऑक्सीजन कॉजेस कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। आपने देखा है कि जब हम लकड़ी जलाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको ऐसे ऐसे भी करते हैं ताकि ऑक्सीजन सब तरफ फैल जाए, ठीक है? सो दैट ऑक्सीजन, एवरी पार्ट ऑफ द वुड शुड गेट ऑक्सीजन टू कंप्लीटली बर्न। एंड इन लोअर क्लासेस ऑल्सो यू मस्ट हैव हर्ड, यू मस्ट हैव स्टडीड दैट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्निंग इज नॉट कंप्लीट, ठीक है? अगर लकड़ी गीली है, अगर वुड गीली है, तो उसके ऊपर एक वाटर की लेयर है, ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही है अंदर से, तो वो कंप्लीटली बर्न नहीं करती। कौन सी वुड जो है वो बर्न करती है? इज इट वेट और ड्राई वुड? यस, एनीबडी बोलो सारे। यस, ड्राई वुड बर्न्स बिकॉज इट गेट्स ऑक्सीजन सफिशियंटली, या इट गेट्स सफिशियंट ऑक्सीजन, देयर इज नो लेयर ऑफ वॉटर। लाइकवाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देयर इज कंप्लीट बर्निंग ऑफ ग्लूकोज। अंडरस्टैंड दिस बॉय, 7C। इधर देखो, ये छोड़ो, दो कॉपीज क्यों है बॉयज? रखो एक अंदर रखो, जो यहाँ पे है वही काम करना, ठीक है? सेकेंड थिंग, डज ग्लूकोज बर्न इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? यस, ग्लूकोज बर्न इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बट नॉट कंप्लीटली, ठीक है? जैसे वुड है, वुड अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो कंप्लीट बर्न नहीं करती है, अध जली सी लकड़ी रह जाती है, उससे हमें हीट भी नहीं प्रॉपर मिलती, राइट? सो लाइक वाइज इन अवर बॉडी ऑल्सो देयर इज इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ वुड या ग्लूकोज इफ देयर इज लेस ऑक्सीजन और नो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में, या कहीं भी। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देयर इज इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, और अगर इनकम्प्लीट बर्निंग होगी तो पूरी एनर्जी नहीं निकलेगी। सो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट में, यू नो, ग्लूकोज, एनारोबिक रेस्पिरेशन, नो ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP। हियर देयर इज 38, एटीपी इज एनर्जी मॉलिक्यूल्स, 38 मॉलिक्यूल्स, 38 पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी, हियर ओनली 2 पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी। लाइक वाइज इन अवर मसल्स, राइट? इन अवर मसल्स देयर इज बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट व्हाट इज द प्रोडक्ट? लैक्टिक एसिड एंड 2
ATP अगेन, राइट। सो हम क्या बात कर सकते हैं, अभी मैं इसको रब करते हैं, सो व्हाट इज द पर्पस। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ रेस्पिरेशन। एवरीबडी राइट डाउन व्हाट इज द यूज ऑफ रेस्पिरेशन। आंसर इज इट प्रोवाइड्स एनर्जी इन सेल। राइट नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी। एंड एक्सप्लेन समझ आपने लिया एंड हाउ यू हैव टू राइट इट दैट इन सेल रेस्पिरेशन। ग्लूकोज बर्न्स टू प्रोवाइड एनर्जी। राइट हाउ रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी, हाउ ग्लूकोज प्रोवाइड्स एनर्जी। क्वेश्चन आ जाता है हाउ ग्लूकोज प्रोवाइड्स एनर्जी, तो इन सेल रेस्पिरेशन द ग्लूकोज बर्न्स टू प्रोवाइड एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल रेस्पिरेशन। देयर आर लिखते चलो साथ साथ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल रेस्पिरेशन। इसके नीचे कॉलम बना लो। फर्स्ट में लिखिए एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड सेकेंड इज बातें नहीं बिल्कुल एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी लिखा नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं पीछे भी कर दूंगी, मैं अभी पिछला पेज कर दूंगी जिसमें आपने लिख जो रह गया होगा लिख लेना। एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे ए ना है ना, याद रखना है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ए ना बट ना, ना इज ऑक्सीजन, ए ना नो ऑक्सीजन। दिस इज अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ए ना है, क्या ना है, ऑक्सीजन ना है। अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ सेवंथ बी, सेवंथ बी हरवीर, हरवीर इज देयर सेवंथ बी। हरवीर यू हैव टू टेल मी ही इज वेयर देयर इज कंप्लीट बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक की एनारोबिक।
कंप्लीट बर्निंग एरोबिक की एनारोबिक, दोबारा से एरोबिक, एरोबिक। वेरी गुड, बैठो बेटा। सो हियर देयर इज कंप्लीट बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको ब्रेकडाउन याद है तो ब्रेकडाउन लिख लेना, बट बर्निंग इज मोर करेक्ट देन ब्रेक। एंड हियर इट इज इनकम्प्लीट, पूरी नहीं बर्निंग होती, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ। लिख सेवन सी, पिछले वाला बाद में लिख लेना, पहले ये लिख लो। सेवन सी में अर्शबीर, सेवन सी अर्शबीर, टेल मी इन विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देयर इज मोर रिलीज ऑफ एनर्जी, किसमें ज्यादा हीट एनर्जी निकलती है, एरोबिक में कि एनारोबिक में? एनारोबिक। एनारोबिक में ज्यादा एनर्जी निकलेगी, यहाँ पे कंप्लीट बर्निंग नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट बर्निंग है। किसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी? जब ग्लूकोज कंप्लीट बर्न कर जाएगा कि जब ग्लूकोज थोड़ा सा ही बर्न करेगा? एरोबिक। आप मुझे कंप्लीट और इनकम्प्लीट में बताओ, कंप्लीट बर्निंग में ज्यादा एनर्जी कि इनकम्प्लीट बर्निंग में ज्यादा एनर्जी? कंप्लीट कंप्लीट बर्निंग। बर्निंग में, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। बैठो, रोट लर्निंग नहीं करनी, क्रैमिंग, डोंट डू क्रैमिंग, अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो मोर रिलीज ऑफ एनर्जी, हियर देयर इज लेस रिलीज ऑफ एनर्जी। एंड राइट द इक्वेशन, ग्लूकोस प्लस ऑक्सीजन बर्निंग होके क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी के आगे 38 आप लिख सकते हो। हियर ग्लूकोस यहाँ पे नो ऑक्सीजन, मीन्स आप पूरा लिखना, मेरे पास आई हैव लेस स्पेस सो आई एम नॉट राइटिंग, ये मैंने क्रॉस किया है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यू मे राइट डाउन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस टू पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी, और इट फॉर्म्स लैक्टिक एसिड प्लस टू पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी। यस, हु विल टेल मी, वॉलंटरी आंसर देंगे, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन? क्विकली टेल मी, व्हाट इज अनदर, रेज योर हैंड्स इफ एनीबडी नोज, व्हाट इज अनदर नेम? अनदर नेम ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। एवरीबडी स्पीक 5 टाइम्स, फर्मेंटेशन बोलो, बोलो जोर से जरा, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन।
फर्मेंटेशन, 5 बार बोलो ताकि आपको पता चले, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन। अच्छा अब ये बताओ, ये वाली रेस्पिरेशन किसमें हो रही है? यस एनीबडी, यू हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन योर स्कूल, यस 7th E, यस देयर इज वन गर्ल, आ जाओ बोलो किसमें हो रही है, आवाज आ रही है? देखो जरा, बोलो सुनो, यीस्ट में हो रही है, और लैक्टिक एसिड किसमें बन रहा है? ह्यूमन मसल्स है ना, सो मसल्स इन ह्यूमंस, बिल्कुल ठीक है, बैठो। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हमेशा नहीं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। क्विकली राइट डाउन, जल्दी से, टाइम हो रहा है आपका, इसलिए फटाफट। चलिए आगे चलें बेटा, फटाफट से खत्म करें। क्वेश्चन, राइट डाउन 2 मार्क्स क्वेश्चन, पीछे वाला दिखाना है, पीछे वाला दिखाना, हाँ जी, से पीछे वाला, उसके पीछे वाला, यस। जल्दी से निकलो फटाफट। डन, करें आगे। नो तो क्या रह गया है, दो तो लाइनें हैं। डन डन डन। डन, ओके, सो 2 मार्क्स क्वेश्चन, राइट डाउन, एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मेंटेशन। ये बी क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन था इसका, डिफाइन फॉर्मेंटेशन। डिफाइन फॉर्मेंटेशन, तो आंसर क्या है? अगर हम ए की बात करें तो फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन इज बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन। मार्क्स क्वेश्चन है, लिख लेना यहां पे। एंड 2 टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन कौन सी है, क्या नाम देंगे? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसके अंदर क्या लिखना है? सिंपल, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन फर्स्ट इज इट अकर्स इन यीस्ट,
अकर्स इन मसल सेल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और सेकंड में आपने क्या लिख देना है, इक्वेशन लिख देना है, ग्लूकोज एल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, टू एनर्जी। यहां पे ग्लूकोज बॉन्ड्स टू फॉर्म लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। इज इट ओके, आर यू डन? हेलो हाँ जी, टाइम इज ओवर, नेक्स्ट पीरियड हैज स्टार्टेड। या डू वी हैव 2-3 मिनट्स? 2-3 मिनट्स। ओके, दैट्स गुड। ऑल डन। अब बेटा यीस्ट, यू नो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, आई विल शो यू टुमारो दीज एक्टिविटीज, हाउ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज यूज फर्मेंटेशन इन यीस्ट करने, इन यीस्ट इज यूजफुल टू ह्यूमंस। हाउ इट इज यूजफुल टू ह्यूमंस? हमने, वो तो बेचारी एनर्जी ले रही है, बट हमने उसको कैसे यूज कर लिया? हाँ जी, एनीबडी? ओनली वन गर्ल नोज, एनीबडी एल्स? यस, सेवंथ जी में से किसी को पता है? रेज योर हैंड्स। यस, देर इज वन गर्ल। आ जाओ बेटा, बताओ जल्दी से, आओ क्विक। मैम, इट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड्स ब्रेड्स, केक्स, एज वेल एज हार्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, वाइन है, रम है, उसको बनाने के लिए भी हम यीस्ट यूज करते हैं। सो आंसर इज, पहले आपने इसका क्या लिखना है, ग्लूकोस इन फ्रूट्स और फ्लावर। फ्लावर का क्या मतलब है? फ्लावर मतलब आटा, ठीक है, आटा जो है, आटा मैदा। इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर, आई एम सॉरी, इट फॉर्म्स एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, एंड इट इज इन केस ऑफ यीस्ट। फर्स्ट ये, सेकंड है इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग क्या होता है बेटा? जहां पे वाइन बनती है, बियर बनती है, रम बनती है, एल्कोहल्स बनते हैं, है ना? तो यहां पे हम क्या करते हैं, फ्रूट शुगर ग्लूकोस, इसको बहुत ज्यादा हम मिक्स करते हैं, इसमें हम यीस्ट मिक्स कर देते हैं। टाइम इज ओवर मैम, बस टाइम इज हम, ओवर। हाँ आई नो, बस हम ये खत्म कर रहे हैं। आप इधर बस ये चीज समझ, है ना, यीस्ट हम इस पे ग्रो करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, फ्रूट शुगर सारी ब्रेक डाउन होकर क्या बनता है, एल्कोहल।
CO2 goes out, ये तो गैस है, ये बाहर चली जाती है, ठीक है। दिस एल्कोहल इट इज प्यूरिफाइड, इसको हम आगे प्योर करते हैं। बेटा आपने पढ़ा है डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जिससे हम इसको प्योर करते हैं, इट इज प्योरिफाइड एंड पैक्ड। अब तीसरा आ जाता है बेटा, थर्ड पॉइंट आ जाता है इन बेकिंग इंडस्ट्री। ड्यूरिंग बेकिंग, ये सब हम यीस्ट वगैरह मिक्स करते हैं फ्लावर के साथ, ड्यूरिंग बेकिंग एल्कोहल इवेपोरेट्स। ये ब्रेड में नहीं रहती है, केक्स में नहीं रहती, एल्कोहल उड़ जाती है। CO2 इज ट्रैप्ड इन पोर्स। CO2 थोड़ी सी जो है वो पोर्स में, इससे क्या होता है, इट फॉर्म्स सॉफ्ट एंड स्पंजी ब्रेड एंड केक्स। टाइम इज ओवर। बेटा मुझे बताया, बस हम खत्म करते हैं। आई नो, सो यीस्ट इज यूज्ड इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, यीस्ट इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री। ध्यान से सुनो, ब्रूइंग इंडस्ट्री में यीस्ट फॉर्म्स अल्कोहल, इन बेकिंग इंडस्ट्री यीस्ट हेल्प्स इन फॉर्मिंग स्पॉन्जी ब्रेड एंड केक्स। ब्रेड एंड केक्स तो ऐसे भी बन जाएंगे, बट स्पॉन्ज कौन लाता है, उसको सॉफ्ट कौन करता है, वो यीस्ट कर, ठीक है। 2 मार्क्स क्वेश्चन में ये आएगा और इसी तरह से लिखना है। और 1 मार्क अगर आ जाए तो, जैसे कि वन गर्ल हैज टोल्ड मी दैट यीस्ट हेल्प्स इन मेकिंग एल्कोहल्स एज वेल एज ब्रेड्स एंड केक्स। और अब आपका होमवर्क क्या है, मसल स्पैज्म सबने सुना है, मसल स्पैज्म कैसे होता है, उसको कैसे ठीक करते हैं, ये करना है। और तीसरी चीज जो है, या सेकंड थिंग, यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट। आज जाके आपने अपनी वर्कशीट करनी है, हम ज्यादा नहीं, हम सिर्फ कल का दिन लगाएंगे वर्कशीट। इज इट ओके, डन, एवरीबडी हैज द वर्कशीट, यस यस नो, है ना, यू हैव द वर्कशीट, डू द वर्कशीट एट होम, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस हैं। जल्दी से हम डिस्कस करेंगे और कल हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। साइड। ओके मैम, थैंक यू बेटा, बाय मैम बाय, बाय बाय, मैम, थैंक बाय मैम। यू टीचर, बाय। हाँ।